जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की सच्चाई को आज पेपर आयोग ने भी छाप दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी 2021 में भी भर्तियों पर संकट के बादल लहरा रहे हैं। यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी एक कदम आगे दो कदम पीछे की खबर छपी है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, पटरी पर आने लगता आयोग तो हो जाते बेपटरी करने वाले फैसले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ खबर दिए गए हैं कि अफसरों के इधर उधर करने के खेल में भर्ती प्रक्रिया अटकने की आशंका। थोड़ी सी पहले खबर देख लेते हैं। समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ प्रयोग के द्वारा खत्म नहीं हो रहे हैं। एक साल बाद खाली पदों पर भर्ती की कार्यवाही बढ़ने की स्थिति बनी तो आयोग में अफसरों को उधर उधर करने का खेल शुरू हो गया है। एक बार फिर लंबित भर्ती प्रक्रिया के और अटकने के साथ ही नई को तैयारी करने में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। योगी सरकार ने आते ही सपा राज में गठित आयोग द्वारा भर्तियों पर रोक लगा दी थी। 10 महीने बाद 2018 में रिटायर्ड आईएएस अफसर सीबी पालीवाल को आयोग का चेयरमैन बना दिया गया, जो बाद में दिसंबर 2018 में पद से इस्तीफा दे दिए। इसके बाद करीब एक वर्ष बीत गए हैं, नियमित चेयरमैन का पद खाली रहा था। उसके बाद जो चेयरमैन बनाए गए थे वो कार्यवाहिक अरुण सिन्हा बनाए गए थे, जिनके राज में कुछ भर्तियां हुई थी। दोस्तों, कार्यवाही आगे बढ़ाई गई थी। दिसंबर 2019 में नियमित चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार जी की तैनाती की गई। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2019 से ही जब से प्रवीण कुमार जी बने, बिल्कुल सन्नाटा पे सन्नाटा छा गया। तब आयोग के पास करीब 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव लंबित थे। कुमार ने आते ही मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। फिर इसकी मंजूरी के इंतजार में कोई नई भर्ती नहीं निकली। सरकार ने इसे मंजूरी देने के लिए 9 महीने लगा दिए और अब जाके इसे मंजूरी मिली है। मतलब सिर्फ पीटी को मंजूरी मिली थी, और उसमें भी दोस्तों जो आपके परीक्षा नियंत्रक बनाए गए थे रजनीश मिश्रा जी, वो भी उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने पद स्वीकारा ही नहीं तो दूसरे को बनाया गया। इधर उधर की तानाशाही चल रही है। अब दोस्तों, इसमें एक बात और है कि आयोग अपने पदों पर नहीं कर पा रही भर्ती। 86 में 56 पद खाली। जी हाँ दोस्तों, आयोग जो अंदर स्वयं का पद खाली है, जो कार्य करते हैं कि कार्य में तेजी आएगी, उसमें 86 में से 56 पद खाली हैं। मतलब केवल 30 पद ही भरे हैं, तो वहाँ पे काम कैसे होगा? जब आयोग अपने ही पद नहीं भर पा रहा है तो आप लोग को भर्ती क्या देगा? आप इससे आशा ना रखें तभी सही रहेगा। आपको कुछ बड़ा करना होगा, तभी जाके सरकार को कुछ होगा, नहीं तो इधर उधर का कुछ नहीं चलेगा। आयोग स्वयं की भर्ती नहीं कर पा रही तो आप लोग की क्या भर्ती करेगी? आगे पीईटी पे भी संशय दिख रही है, लेखपाल भर्ती पर भी संशय दिख रही है। जब ऐसा ही रहा तो ये लोग भर्ती कैसे कराएंगे, जब इनके अफसर ही इधर उधर भागने लगे हैं? दोस्तों, ये थी यूपी ट्रिपल एससी की सच्चाई। एक कदम आगे जाते हैं, दो कदम पीछे। मतलब अगर ये 100 कदम चलेंगे तो उसका दुगना पीछे चले जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि एडीएम भी बना दिए गए, कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक लोग लखनऊ के एडीएम है, उन्हें परीक्षा नियंत्रक बनाया गया, क्योंकि रजनीश मिश्रा जी ने पद स्वीकारा ही नहीं, वो बार बार आते ही नहीं जो बैठक होती है। अब दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है आगे देखा जाएगा। और भी कोई अपडेट होगा यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ा तो हमारे चैनल पर आपको दिया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।